हो चाहे हो बगाटो हो, ऐमा सरकारी मोहर ठोक रहे सब लोग। देखो सरकारी कैसे मोहर ठोक रहे। मोहर लग गई है, ये अब पक्की हो गई है। अब देखो राजा साहब से मैं बात कर रहा हूँ। राजा साहब की जय हो। हाँ राजा साहब बलियार हो। परम पद का लाठी ढूंढ लिया भैया। बोलिए लाठी को ढूंढ लिया धरा हुआ। प्रेमियों राजा प्रथम इस बात को समझ नहीं पाया, सती मंझा जो थी वो पतिव्रता नारी थी, उसने मन में विचार किया रघुकुल रीस सदा चली आई, यार प्राण जाए पर बचन न, हमारे पति देख लेंगे मेरी हार हो चुकी तो नरवर की गद्दी छोड़ देंगे और राज भंग हो जाएगा, और अकेली अगर मैं काग भी हराती रहूंगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरी बहन मौजूद रहेगी और मेरे पति के जाने से नरवर का राज भंग हो जाएगा। उसने समझ नहीं पाई। यह राजा ने मन में सुनो चंद्रबाल, ये तुम्हारी कमर में क्या है? एक कमरी का टूक है राजा साहब। और एक उठा लो मास्टरवती, ये परमदी मास आ गए हैं। हर नाद सात तहुरा मंगल भाई देव, कोई मैं दूध वो पानी डराई दे, रेशम की साड़ी चोरवाई ले उबाई कमर कटू कपहिराई दी जाऊरे। अगर मैं आपके हाथ का पर्वती बास कमर का टुक थाम लेती हूँ तो मेरा
हो जाएगा। अच्छा चले जाओ, हमारे महाराज से कह देना स्वयं अपने हाथ से पर्वती बा से कमर का टोक थमा दे, तुम्हें थाम सकते वरना वरना कभी नहीं। नहीं पकड़ो, नहीं मान लो हमारा कहिबो, बिल्कुल नहीं पछतावा की बात में कि नौकर हाथ को पकड़ लो हो तो ए नौकर हो तो नौकर के हमेशा रह करो वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी मैं। न पकड़ो हमारे का मतलब हमें कह दी बो जाए हमारे हाथ को पकड़ो ही नहीं। चले जाओ राजा साहब के जो हो बोले यार हो चंद्रपाल। इस प्रकार से तुम्हें भेजा वैसे ही चले आए। राजा साहब हमारे हाथ का नहीं पकड़ा है, आप जाइए अपने हाथ का पर्वती भाग। चलो यार नालायक साले, मैं उसे स्वयं पकड़ाऊंगा जाकर के पास।
रखाई